हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो भई आज 12 रबीउल का दिन था और इतना हमारे घर के सामने शोर हो रहा था, मैंने कहा चलो बाहर देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर देख रहे थे, मैंने भी ये मंज़र देखा और बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह इतने लोग निकले हुए थे घर से। तो इसको हम वॉश करेंगे, हालाँकि ये है फ्रोज़न लेकिन हमें ये वॉश करना ही पड़ेगा। तो चले वॉश करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो भाई चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम चिकन में कट लगा देंगे। तो भाई चिकन में इस तरह से कट लगाने हैं अपने हिसाब से। आप 2 कट लगा सकते हो या 3 लगा सकते हो। मैं 3 लगा रही हूँ, किसी में 2 लगा रही हूँ, किसी में 3। चिकन की हाइट के अकॉर्डिंग जो छोटे पीस हैं उन पर 2, जो बड़े पीस हैं उन पर 3 लगा देंगे कट हम इस तरह से। इस पे 2 लगा दिए क्योंकि ये छोटा है। अभी इसमें जाएगा लहसुन और धनिया और ये जीरे का पाउडर। हाँ, धनिया और जीरे का पाउडर डाल दिया हमने। अभी हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हमें स्पाइसी खाना है इसलिए हम इसमें रेड चिली ज़्यादा ऐड करेंगे। हम कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैं भर भर के इसमें डाल रही हूँ। अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ना इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए कवर करके, और फिर आधे घंटे के बाद हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। उससे पहले ऐड नहीं करना। आधे घंटे तक जब ये सेट हो जाएगा ना थोड़ा, फिर इसमें अगला इंग्रेडिएंट आएगा। तो हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। और हाँ, मुझे याद आ गया, इसमें 2 लेमन भी मैंने डालने हैं, उनका जूस वो मैं डालती हूँ लाकर। तो भाई ये अभी इसमें मैं एक ही लेमन ऐड कर रही हूँ, 2 नहीं कर रही। और आधा घंटा रखने वाला जो प्रोसेस था वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हमारे घर में सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, किसी ने डिनर नहीं किया और टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए ये रखने वाला ऑप्शन मेरा ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। सबको भूख लगी हुई है प्लस नहीं। तो भाई चिकन को मैरिनेट मैंने कर लिया है लेकिन मेरी बेटी रोने लग गई है। अब इसको मैं मैरिनेट करके रखने लगी हूँ जब तक मैं अपनी बेटी के काम ना ख़त्म कर लूँ। एक तो इसकी मैंने ट्राउज़र चेंज करना है क्योंकि इसने गीला कर लिया है, और ऊपर से मेरी बेटी रो भी रही है, मुझे बुला रही है। तो पहले बेटी, बाद में खाना पकाना। तो हम इसे कवर करके रख देते हैं, बाद में आके इसको देखेंगे। चलो अभी ना, चलो 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 चलो, छोड़ो आ जाओ। एक और आधा चम्मच हम बेसन का ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल 1 चम्मच है, ज़्यादा क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए। तो इसको ऐसे, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है ना, हाथ पे शॉपर चढ़ा के इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। मुझे ना नमक थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा नमक डाल देती हूँ। क्या हुआ बिहा? तो भाई लेग पीस तो अभी मेरे फ्राई नहीं हुए थे, तो सामने वाले घर से हमें आ गए हैं मोमोस, और साथ में थी चाट, साथ में थे राइस। राइस भी बहुत मज़े के थे, चाट भी बहुत मज़े की थी, और मोमोस भी, और हम लोगों ने बहुत मज़े से खाया। भूख लगी हुई थी हम लोगों को, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया ये सब खाना। ये स्नैक ही हो गया था एक किस्म का हमारा। तो भाई यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया था। अभी ऑयल को हमने गरम करना है, जैसे ही गरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। हमें नीम गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना। तो भाई अभी एक एक चिकन पीस हम उठाएंगे और तेल के अंदर डाल देंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो हाथ से डाल सकते हो, और ऑयल से डर नहीं लगता। तब भी मुझे ऑयल से डर भी लगता है, और मुझे मिर्चों से एलर्जी भी है, इसलिए मैं चिमटे से डाल रही हूँ। चिमटे की हेल्प ले रही हूँ मैं, आप लोग भी ले सकते हो चिमटे की हेल्प।
हम कोशिश करेंगे कि ये सारे लेग पीस ना एक ही बार में फ्राई हो जाएं ताकि हम ज़्यादा ना खपे किचन में। इनको आपस में घुसा देंगे, सेट कर देंगे एक दूसरे के अंदर। जगह दे दो इसको भी। ओए होए, खेलने नहीं रहे, जम गए। इसको इधर डाल देते हैं हम। आई थिंक ये पूरे हो गए। अभी हमें इसको ना थोड़ी देर फ्राई होने देंगे और आँच को हम कर देते हैं हल्का। ये मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए, और कवर कर देंगे इनको एक बार देख के ना अच्छे से, ताकि नीचे ना लग जाए। देख के अच्छे से इनको फिर कवर करके रखेंगे, इनकी साइड चेंज करके। तो भाई साइड चेंज कर दिया मैंने और फ्लेम को भी मीडियम कर दिया। अब कवर करके रख देंगे हम, और बीच बीच में चेक करते रहना है इनको। बस 15 मिनट लगेंगे टोटल डन होने में। तो गाइस 10 मिनट इसको मैंने ना रख दिया था कवर करके। अभी मैंने कवर हटा दिया है और फ्लेम को फुल कर दिया है ताकि ये बस बन गया है। मीट हमारा, मीट कह रही हूँ, चिकन हमारा गल चुका है, तो इसका मतलब है अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं है, बस फ्राई करके निकाल लेना है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई लेग पीस हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और अभी इसको केचप के साथ, रायते के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग अभी फ्राइज़ बनाने लगे हैं और फिर कुछ रोटी के साथ खा रहे हैं, कुछ केचप के साथ खा रहे हैं, और हम फ्राइज़ के साथ खा रहे हैं, साथ में केचप लेंगे। तो अभी जैसे फ्राइज़ बनेंगी फिर हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। चॉप हो चुके हैं फ्राइज़ के लिए, अभी इस पर कॉर्नफ्लोर लगा देंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो भाई आधे लोगों ने तो खाना खा लिया है और अभी हम लोग खाने लगे हैं। हम लोग फ्राइज़ बनने का वेट कर रहे थे क्योंकि सबको दे के फिर हम लोगों ने खानी होती है। तो अभी हमारे खाने का टाइम आ गया है और फ्राइज़ इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे वैसे फ्राइज़ बहुत पसंद है। तो गाइस रात के 4 बज रहे हैं, इसकी छोटे काके की मम्मा खुद सो रही है, बच्चा हमारे पास है, बच्चा हमें तंग कर रहा है और मेरी बच्ची मुझे तंग कर रही है। उस काके को गोद में बिठाने नहीं दे रही, खुद भी नहीं बैठ रही, उसकी माँ बन के इधर बैठी हुई है। ए लड़की जेल कुकड़ी। अभी मैं रूहान के साथ खेल रही थी, अभी वो मुझे खेलने नहीं दे रही थी, अभी उसको खुद लगी हुई है। अभी मेरे से मोबाइल पकड़ लिया, ये मेरे से जबरदस्ती कर रही है, छोड़ो मेरा मोबाइल, छोड़ो छोड़ो मेरा मोबाइल। ओए हां जी हां जी, पारे काके क्या है तुझे, क्या है तुझे, हाँ आपको क्या है प्यारी काकी, क्या है, क्या बताना चाह रहे। तो भाई सारी रात हो गई है, सुबह के 5:04 होंगे, अभी हमने अभी तक मुझे सोने नहीं दिया। अभी मैं मम्मी की टांगे दबा रही हूँ और ये मुझे तंग कर रही है बार बार, कभी बेड पे चढ़ रही है, कभी फिर चारपाई पे चढ़ रही है, और मेरे साथ साथ मामा की मालिश भी कर रही है, पैरों पर तेल लगा रही थी, और पहले इससे पहले मुझे दबा के हटी है ये। ये कौन सा प्रैंक कर रहे हो तुम लोग, हाँ ये कौन सा प्रैंक किया है तुम लोगों ने, क्यों तीनों के एक एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं। किसका किसका दिमाग था ये प्रैंक करने का, अहमद तू व्लॉग देख देख के ना तू प्रैंक करने लग गया है, कितना गंदा प्रैंक किया है। बताओ कौन सा प्रैंक किया है तुम लोगों ने। हमने ना यहाँ से आ रहे थे, हमने नाबे वाले लड़ते थे, तो इनने भी साथ दिया थोड़ा बहुत, हाँ इससे आइडिया आ गया मुझे। इन्होंने एक्टिंग की पूरी की है। लोगों ने झूठ पकड़ लिया, बैठ के बताओ ना आराम से। कर ली ने मार दी, ये लोग डर गए, मैंने दिखाया उनके साथ प्रैंक हो गया गाइस, लेट्स स्टार्ट करना सामने। ये लोग कमरे में आए तीनों, आके कह रहे हैं कि भाई दूध कम आया है, दूध वाला दूध नहीं लेके आया। हमने कहा नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर कहते एक थैली दूध की गिर गई है सीढ़ियों पे। हमने कहा अच्छा, अभी मेरी अम्मी गुस्सा करने ही लगी थी तो अनाबिया ने बता दिया कि अली मामू के कमरे में दूध का एक पैकेट है। गंदे बच्चे ये, जो तुम लोग व्लॉग देखते रहते हैं ना उनको असर है तुम लोगों पर, ये जो प्रैंक करते हैं ना तुम लोग।
दिखा दो, आ जाओ ले आ इधर। ₹50 तो ले, पैसे ले ले वापस। अच्छा नहीं दिए, इधर आ दिखा गया है। रुक रुक रुक, क्या है देखे तो सही। तो भाई जो अभी हम लोग पार्सल रिसीव करके आए हैं उसमें अभी यहाँ का ये ड्रेस आया है। ऑनलाइन इतना प्यारा लग रहा था, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन इसकी शर्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो ट्राउज़र था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो अभी हम लोग ने मंगवाए थे अम्मी से रोल, अम्मी पता नहीं क्या क्या लेके आ गई हैं, समोसे, रोल, जलेबियाँ और छली, सब कुछ इतना कुछ लेके आ गई हैं। अभी हम लोग ये सब खाने लगे हैं और उसके बाद मिलते हैं। चेकअप करवाने हैं, मेरा भी करवाना है, मेरी सिस्टर का भी करवाना है, मेरे दांतों का थोड़ा इशू है उनको ठीक करवाने जाना है, और मेरे सिस्टर का भी थोड़ा है, उनको भी टेस्ट वगैरह उनके करवाने हैं। और मेरी चीचू की तबीयत वैसे ख़राब नहीं है, उसको बुखार है, इसकी दवाई ली हुई है, फिर देखते हैं आज फिर लेते हैं कि नहीं। पहले वाली अभी तक इसकी मेडिसिन चल रही है ना। ए बिल्ली पीनी पीनी। अभी हम डॉक्टर के रूम में आ चुके हैं जहाँ पर हमारे दांतों का ट्रीटमेंट होना है, और इस चेयर पे अभी मुझे लिटा देंगे, आधा घंटा मैं लेटी रहूँगी और फिर जाके कहीं डॉक्टर आएंगे, आधा घंटा बस मैं दिखती रहूँगी, ये तैयारियाँ करते रहेंगी, टूल्स वगैरह रखती रहती है, पानी रखेगी, इतना कुछ करेगी, फिर जाके डॉक्टर आएगा और फिर क्लीनिंग करेगा दांतों की। और इस टाइम मुझे अपनी जो डिलीवरी का वक्त था ना वो मेरी आंखों के सामने था, जब अभी हा हुई थी हर चीज़ मुझे वो नज़र आ रही थी, और मुझे इतना डर लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती, वो वक्त भूल ही नहीं सकती मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। ये लास्ट जब टाइम चल रहा था ना मेरा डिलीवरी का, मेरा दिल कर रहा था बस अभी मैं कहूँ भाग जाऊँ यहाँ से, कुछ भी ना करवाऊँ, क्या हो क्या नहीं पता नहीं। ये आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि ये आखिरी जो टाइम होता है ना बहुत मुश्किल से गुजरता है। यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर की फ़ीस दे दी है भाई दांत क्लीन करने के, उसने लिए हैं 10,000। हल्का सा पेन हो रहा था मीठा खाने ते वक्त ना, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई इस पेन को हम लोग इग्नोर नहीं करते, करवा लेती हूँ ट्रीटमेंट। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट करवा लिया था, इन लोगों ने टूथपेस्ट लिख के दिए कुछ दिन इससे दांत साफ़ करने। अभी हम लोग OPTP आ गए हैं, अभी यहाँ से हम लोग लेंगे बर्गर। और मेरा भाई मुझे इतना तंग कर रहा था, मुझे कहता था तुम्हारे तो अभी अभी दांत क्लीन हुए हैं, तुम तो बर्गर खा नहीं सकती, तुम्हें तो बर्गर बना है, हम बर्गर खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। मुझे कॉफ़ी और चाय मना की थी उसने, और उसके अलावा मुझे कुछ भी मना नहीं किया था। मैंने कहा नहीं भाई मेरे लिए भी मंगवाओ मैं खाऊँगी। और फिर फ्राइज़ आई, इनकी फ्राइज़ बहुत मज़े की OPTP की, और बर्गर भी बहुत मज़े का था, इतना स्पाइसी था, और मेरा ना दिल भी कर रहा था स्पाइसी बर्गर खाने का, क्योंकि मैं अभी सुबह जैसे हम लोग उठे हम लोग आ गए हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ जा रहा था। हाँ कोल्ड ड्रिंक मैंने अवॉइड कर दी थी, कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं पी, बाकी मैंने बर्गर भी खाया, फ्राइज़ भी खाई, मज़ा आ गया यार, आई लव इट। तो गाइस आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने का और साथ में फ्राइज़, लेकिन ये मुझे घर बैठे मिल गया, अब मना नहीं कर सकती, रिज़्क को इंसान मना थोड़ी करता है। मैकडोनल्ड का बर्गर साथ में कोल्ड ड्रिंक हद है भाई, आप अभी जिम से वापस आए हो और आके ही बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खा रहे हो पी रहे हो, वेट कैसे कब होगा अल्लाह क्या करूँ, रुक भी नहीं सकती क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है, सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, जिम चली गई थी, और कॉफ़ी वैसे मुझे मना है, कॉफ़ी भी नहीं पी हुई थी, भूख बहुत लगी हुई थी, सामने जब मैकडोनल्ड का बर्गर और बोतल आ गई फिर तो बस हद है, खाना स्टार्ट कर दिया, आधा खा लिया, व्लॉग बनाने का भी नहीं मैंने सोचा, आधा खा के व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने जी। सिंगल पिज़्ज़ा वन की जो क्रश है वो पैन क्रश है, पिज़्ज़ा वन इज क्रीमी टिका
पिज़्ज़ा 2 की जो क्रस्ट है वो क्रंची थिन क्रस्ट है एंड द फ्लेवर ऑफ सेकंड पिज़्ज़ा इज एक्सपेक्ट और आपने जो ड्रिंक अवेल की है वो है 7 अप। इसके साथ आपने एड ऑन में चिकन विंग कंसिडर किए हैं विद पेरी पेरी सॉस एंड स्पाइसी मैंने फोटो तेरा से मंगाया इस 2 घंटे बाद फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये हमारे सबके पाँव कराची वाकई रोशनियों का शहर है। अभी रात के 12 बजे का टाइम है मेरे ख्याल से और देखें पूरा रोड खुला हुआ था, रोशनी इतनी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा होटल वगैरह खुले हुए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं खाना खाने और डिनर करने जा रहे हैं। प्लान ऐसे ही बैठे बैठे हमारा प्लान बन गया कि भाई चलो खाना खाने चलते हैं। फिर हम ना सब चले गए, मामा हमारी नहीं आई और भाभी बड़ी नहीं आई, बाकी हम सब घर वाले हैं। और ये देखें रास्ते में ना एक्सीडेंट हो गया, इतना बुरा, 2 बाइकें आपस में टकराई हैं और चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है एक आदमी को, सब उसको उठा रहे हैं और दिल को कुछ हो रहा है। घर वो जो गिरा है ना जिसकी बाइक के साथ आके दूसरी बाइक वाले ने टक्कर मारी है उसके तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है और पता नहीं उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि उसने आके उसको हिट कर दिया दूसरी बाइक को। ये कारसाज रोड है और यहाँ का सुना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एक कोई चुड़ैल है वो ये एक्सीडेंट करती है, पता नहीं ये बात हकीकत है कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। तो गाइस हम लोग घर से तो निकल के आ गए हैं लेकिन डिसाइड नहीं किया कौन सी जगह पर जाना है। आगे हमारे भाई डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कहाँ पर जाना है लेकिन इनको अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। और अहमद नाबिया इतना ज़्यादा डर रहे हैं ना जिसकी कोई इंतहा नहीं कारसाज वाली चुड़ैल से। अहमद बताओ कैसी फीलिंग है गाइस? गाइसों को भी डर रहा होगी, आप मत मनाओ व्लॉग, मत डालना यूट्यूब पे, मैं कह रहा हूँ मत मान, आपके गाइस डर जाएंगे। देखेंगे गाइस तो नहीं डरेंगे, वो तो हंसेंगे कि अहमद इतना डरता है, इतना डरपोक है मिट्टू। वो आपको ऐसे कर देंगे, ऐसे कैसे कर देंगे? नो ये देखना अभी ये व्लॉग डालूंगी ना, कारसाज वाला व्लॉग डालूंगी ना, अहमद डर गया चुड़ैल ने पकड़ लिया तो इतने व्यूज आएंगे देखना। तो कार चेक करो बेटा, वाओ सो ब्यूटीफुल हाउस, डिफेंस में इतना प्यारा। आप लोगों को मैं घर दिखा रही थी। अच्छा ये पानी वाला ट्रांजिट। तो गाइस डिफेंस में आधी रात को ठाणा खाते हैं पानी लाइक पानी पूनी नहीं आता ना यहाँ पर, पानी का बहुत मसला है, टैंकर डलवाना पड़ता है। हाँ हमारी तरफ पानी का मसला है, पानी के हम लोग टैंकर डलवाते हैं हफ्ते में एक, लेकिन शुक्र है गैस आ जाती है। ये लाइट यहाँ पर नहीं जाती ना, DHA में लाइट नहीं जाती, नहीं जाती चाचे। तो भाई अभी हम लोग अंगीठी आए थे लेकिन ये होटल बंद है, रात के 1 बज रहे हैं तो अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं। अच्छा फुल है, फुल है लेकिन उनका क्लोजिंग टाइम हो गया होगा ना। माशाल्लाह कितनी सोहनी सजाई है।
शाहबराज की भी देख लिया पानी। तो भाई अरियान को चुमाने लड़ रहे हैं और अरियान अभी पानी ठंडा मांग रहे ताकि अरियान के चुमानों को सर्दी लग अरियान चुमाने हट गए लड़ रहे हैं अरियान के साथ बहुत बुरा हो रहा है। पहले अहमद रना भी डर रहे थे अभी अरियान बेचारा उछल रहा है। हाँ मंदी हाउस चलते हैं। क्यों मंदी हाउस क्यों दूर पड़ेगा? हाईवे तो है ना पापा ने पहन अपने घर के पास से आगे की तरफ इस साइड है। हमें एक से डेढ़ घंटा हो गया है कराची के रोडों पर और डिफेंस के रोडों पर। अहमद क्या कह रहे थे? अहमद आप क्या कह रहे थे? नहीं इससे अच्छा तो भाई बारबेक्यू नाइट हमें मिल चुका है। बंद हुआ हुआ नहीं नहीं मुझे तो ओपन ही लगता है अभी। हाँ नाइट है ना कितने लोग बाहर खड़े हुए हैं। खुला ही होगा इन्होंने वरना नाम क्यों रखा है बारबेक्यू नाइट। ओपन है जाओ मामू का हैंड पकड़ लो। क्या हो गया हमारे साथ? मोई मोई होने लगा। हम लोग जैसे गाड़ी से उतरे लाइटें बंद हो गई। हमें लगा ये बंद हो गया लेकिन शुक्र है लाइटें चल रही हैं। तो भाई अभी हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा है। वाह वाह आर्यन This place too beautiful. वो तो दिखेगी। नीचे नहीं गिर जाना हट जाओ। हाँ हाँ उसको मैंने कैप्चर कर लिया। आर्यन आ जाओ कम दिस साइड। गिव मी योर हैंड। व्हाई नो अनाबिया कम विद मी। वाओ क्यूटी क्यूटी मेरी क्यूटी क्यूटी। अभी हाँ चलो बैठो। तो भैया अभी हम लोग मेन्यू देखने लगे हैं कि क्या ऑर्डर करना है। क्या खाओगे अहमद? वो आप ऑर्डर करोगे। अच्छा तो आपने कुछ नहीं खाना खास? वो खास नहीं नॉर्मल फ्रूट में खा ले नॉर्मल खा ले एक रोटी रेड कलर की। अच्छा आप क्या खाएंगी? मैं वाला खा लेती हूं। गाइस 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 कैमरा इधर लाओ कैमरा गाइस ने लाइक सब्सक्राइब करना। पहले तो मुझे बहुत नींद आ रही। जोर से बोलो ना लाइक सब्सक्राइब करना हमरे बहुत तेज से नींद आ रही है। ओके आप कहाँ चढ़ के ऊपर बैठ गई हो बीहा? यहाँ पर खाना खाना है हमने। बिल्ली सर बजाई जा रही है दो बार सर बजा रही है अपना गंदी बच्ची। कहाँ जा रही हो? इधर। तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टर में बच्चों के लिए ऑर्डर की थी फ्राइज जो कि आ चुकी है।
दुबई रायता और कुछ सॉसेज वगैरह रख के चले गए हैं हमें उम्मीद लाने के लिए। 1:13 हो गए, काफ़ी लेट हो गया। वैसे हम लोगों ने खाना खाया हुआ था, टाइम से खा लिया था। ये हम लोग मिड नाइट खाना खा रहे हैं। मैंने, तुमने तो कुछ नहीं खाया। अच्छा अंबिया, ये जैनब ने सारा पीस डाल लिया है। आप खा लो भी। पहले ये ओपन करो, ये हटा दो। मैं तो अभी आ ही नहीं रहे, इसको मुझे आ ही नहीं रहे, देखना आ नहीं रहे। पानी दे। इधर देखो अंबिया, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया है हम लोग, अभी जा रहे हैं घर। अभी हम लोग जा रहे हैं पान खाने, लेकिन वहाँ पर 3 आदमी खड़े हैं, भाई गया है लेने, मैं इधर ही खड़ी होके वेट कर रही हूँ। चलो स्वीट पान हाउस, चलो अभी हम गाड़ी में बैठते हैं, मामू लेके आ जाएंगे। हाँ मीची गाड़ी में बैठ जाए मेरी बेटी। चलो गाड़ी में बैठो। तो मैंने ओपन कर लिया है पान, काफ़ी स्वीट लग रहा है, अभी हम इसको खाते हैं। अभी हम लोग खाना खा के निकले ही हैं कि अहमद के साथ फिर कारसाज वाली चुड़ैल वाली बातें होने लग गई हैं। अहमद को डरा रहा है, अहमद डर लग रहा है। तो भाई 2:30 बजे हम लोग घर आ चुके हैं।